नमस्कार, MP24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा, दो दिन पहले हमारी चैनल के द्वारा एक विशेष समाचार चलाया गया था, जिसमें बरघाट ब्लॉक के लालपुर ग्राम के पास टाकी टोला प्राथमिक स्कूल में कुछ शिक्षकों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी, जहां विद्यालय में ताला लगा हुआ था उस समय, जबकि बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे और परीक्षाएं प्रारंभ की जानी थी, किंतु 10:30 बजे विद्यालय का ताला ना खुलकर विद्यालय का ताला 1 बजे खुला था। MP24 न्यूज चैनल में जब प्रदर्शित हुआ यह समाचार, तो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची और 2 दिन के बाद खामी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के प्राचार्य ML तेकाम वहां निरीक्षण में पहुंचे। जब वहां निरीक्षण में वे पहुंचे तो और भी रहस्यों का ताला खुलता गया। वहां जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पदस्थ मेश्राम शिक्षक के द्वारा बच्चों को मध्यान्ह भोजन में अनियमितता बरती जाती है। मध्यान्ह भोजन में कंकड़ वाला खाना उन्हें दिया जाता है, जबकि उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता। जब बच्चे और खाने की मांग करते हैं तो शिक्षक उन्हें कहता है कि यहाँ थोड़ा सा खाओ, बाकी घर में जाकर खाना। विद्यालय में एक जानकारी और प्राप्त हुई कि शिक्षक मेश्राम के द्वारा बच्चों को स्कूल में वंदे मातरम का नारा लगाने से मना किया जाता है। विद्यालय में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गांधी जी या अन्य महापुरुषों की तस्वीरें लगाने से मना करता है। इस प्रकार की लापरवाही को देखते हुए खामी हाई स्कूल के प्राचार्य ML तेकाम वहाँ जांच में पहुंचे। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता संजय काड़े से। हम 5वीं क्लास के छात्र छात्राएं जो अंदर देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम उनसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साक्षी अरिंद खेड़े है। अच्छा, ये बताओ आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 5वीं पढ़ती हूँ। तो आपको खाना पेट भर देते थे कि नहीं यहाँ पर? नहीं देते थे। कैसा खाना मिलता था आपको? कंकड़ पत्थर मिलते थे। और खाना ज्यादा मांगते थे तो सर क्या बोलते थे आपको? सर बोलते थे पेट भर मत खाओ, घर में जाके खाना। कौन सा सर बोलते थे आपको? लालचंद मिश्रा। तो आप पेट भर खाना नहीं खाते थे? नहीं। और जब कंकड़ पत्थर मिलते थे तो आपने सर को बोला नहीं कि कंकड़ पत्थर मिलते हैं? बोले थे। तो क्या बोलते थे सर? सर बोलते थे कि कंकड़ पत्थर नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम है इमाम। कौन सी पढ़ते हो? हम तीसरी पढ़ते हैं। अच्छा, बताओ आपको खाना कैसा मिलता था बेटा? हमका पत्थर मिलते थे और सर डांटते थे हमारे को ज्यादा खाना। ज्यादा खाना खाने से मना करते थे? हाँ। क्यों मना करते थे? क्या बोलते थे? ज्यादा खाना मत खाओ, नहीं तो घर में खा लेना। पूर्व सरपंच आप यहाँ के? हाँ। अच्छा, लालचंद मेश्राम कब से आपके अनु? 8-10 साल से। तो क्या इनके कारनामे क्या है, बहुत शिकायतें मिल रही हैं, जानकारी क्या बताएंगे आप? ये बच्चों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं और धर्म के प्रति गलत, हमारे राष्ट्र नेताओं का भी अपमान करते हैं, उनकी फोटो लगाने से इनकार करते हैं। इसकी शिकायत की आपने पहले? इसकी शिकायत हमने लिखित कई बार कर दी है। आज तक जाँच नहीं हुई? आज तक जाँच नहीं हुई और उसको यहाँ से हटाया भी नहीं गया, जबकि इस लायक का टीचर यहाँ नहीं होना चाहिए जो धर्म के प्रति गलत। आपका नाम? राजू रहांगडाले, ग्राम पटेल, लालपुर। अच्छा, बताइए पटेल साहब कि ये आपके यहाँ जो लालचंद मेश्राम जो विवादित चल रहा है, इसका व्यवहार ऐसा जानकारी में आया है, तो कुछ जानकारी में ये भी आया है कि ये बच्चों को तिलक लगा के नहीं आना, वंदे मातरम नहीं बोलना, कैसा क्या बताइए? क्या है, बच्चे जैसे तिलक लगा के आते हैं, तिलक लगाने से मना करता है। और जैसे अपने 26 जनवरी 15 अगस्त हो, इसमें जो महात्मा गांधी की फोटो है, अच्छा, इनको भी लगाने से वंचित रखता है, मना करता है और इनके व्यवहार सही नहीं है। आपने इसका विरोध नहीं किया? किया, कई बार किया, लिखित में भी किया, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और ये भारत माता की जय, मतलब हाँ, भारत माता की जय नहीं बोलने बोल रहा है, बच्चों से तिलक लगाना मना करवा रहा है। यहाँ जांच करने के लिए आया हुआ हूँ और ग्रामवासियों कहना है कि लालचंद मेश्राम विद्यालय बंद करके और 5 तारीख को चले गए यहाँ से।
तो आपको इसकी जानकारी लगी? इसकी जानकारी मुझे कल 9 तारीख को लगी। कैसे लगी? MP न्यूज 24 के संवाददाता के द्वारा। जी, तो आप अभी कार्रवाई क्या कर रहे हैं इसमें? आप अभी मैं जांच करने आया हुआ हूँ और PS ताकि टोला में बैठा हुआ है। अच्छा, और जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लालचंद मेसराम जो यहाँ के शिक्षक हैं कि वो बच्चों के यहाँ पर तिलक लगाने से मना करते थे और यहाँ भारत माता की जय के नारे भी नहीं लगाने देते थे बच्चों को, जब प्रार्थना करते थे वंदे मातरम भी नहीं बोलने देते, इसमें क्या कहना आपका? ये कृत्य शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना था। जिस प्रकार का किया गया? हाँ, जिस प्रकार किया वो ठीक नहीं है। अच्छा, जो गांव के लोग बोल रहे हैं अगर उसको नहीं हटाया गया यहाँ से तो हम बच्चे नहीं भेजेंगे स्कूल पढ़ने, तो आपका क्या कहना है इसमें? हम व्यवस्था करेंगे यहाँ पर शासन के नियमानुसार, पर यहाँ की तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था की पूरा प्रयास करूँगा मैं। कब तक जाएगा दूसरा शिक्षक? 1-2 दिन 3-4 दिन 4-5 दिन के अंदर मैं व्यवस्था कर दूंगा यहाँ पर। जी, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं आप इसमें? हमारे 7 ग्राम के सरपंच, पूर्व मुकद्दम और ग्राम के कुछ सम्मानी लोग भी हैं, और जैसा कि गांव वाले ने बताया कि लालचंद मेसराम जो शिक्षक यहाँ पर लगभग 9-10 साल से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने धारणा से आते हैं, उनके इतने कारनामे, इन्होंने बताया कि बच्चे अगर यहाँ वंदे मातरम भारत माता की जय जब प्रार्थना में नारे लगाते थे उनको मना कर देता था, और यहाँ तक कि कोई बच्चा अगर तिलक लगा के स्कूल भी आता था उसे ये मना करते थे कि यहाँ तिलक लगा के स्कूल में नहीं आओगे। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ जब जो बच्चों के लिए भोजन बनता है मीनू के आधार पर भोजन नहीं दिया जाता था, और कंकर पत्थर निकलते थे तो बच्चे जब उन्हें बताते थे तो उन्हें मना कर देते थे कि जैसा बनाया भोजन वैसा करो, और कुछ बच्चे भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे, ऐसा बच्चों ने बताया। कैमरामैन धर्मेंद्र पवार के साथ संजय काड़े, MP24 न्यूज़, धारणा, बरगाड़।